महिलाएं अपने इंटीमेट स्वास्थ्य के लिए तमाम तरीके के बाजार के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं। कुछ महिलाओं को पता होता है कि ये उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है तो कुछ को नहीं पता होता। जाने अनजाने में इस प्रकार के वस्तुओं के इस्तेमाल से जहां एक ओर उनको हाइजीनल इन्फेक्शन होता है तो वहीं दूसरी ओर वो विभिन्न तरीके की बीमारियों से भी ग्रसित हो जाती हैं। इसी क्रम में मंथली सर्कुलेशन के दौरान भी एक अलग तरीके की दुर्गंध आती है, जिससे बचने के लिए महिलाएँ तमाम तरीके की खुशबूदार सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग करती हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर इसको लेकर के क्या कहते हैं। जहाँ तक किसी भी मेडिकल से संबंधित चीज़ का यूज़ है, वो मेरी नज़र में बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना उनकी जानकारी के यूज़ करना गलत है। उससे कुछ भी स्किन एलर्जी या और डैमेज हो सकता है, तो वो अपनी सोच से या कुछ प्रचार देख के वो लोग अपने से यदि वो यूज़ करते हैं तो वो गलत है। एक महिला डॉक्टर से अपना चेकअप कराना चाहिए। वो स्मेल कई वजह से हो सकती है, कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो उसके लिए चेकअप कराना और टेस्ट कराने वो सब जरूरी। यदि कुछ केमिकल यूज़ कर रही हैं तो उससे स्किन एलर्जी या और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि वो अनोइंगली यूज़ कर रही हैं, केवल बिना उनकी अनभिज्ञता है उन प्रोडक्ट्स के बारे में, और केवल टीवी या उस पर देख के यूज़ कर रही हैं, तो उन्हें पहले कंसल्ट करना चाहिए क्या उनके लिए ज़रूरी है, तभी उन्हें यूज़ करें। तो प्लेन नैपकिन्स जो बनते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इंटीमेट वॉश केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही यूज़ करना चाहिए। तो आपने सुने डॉक्टर के बाद कि किस तरीके से अपनी हाइजीन को मेंटेन रखने की ज़रूरत है। यदि आपको इस तरीके की कोई समस्याएं होती हैं तो आप अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे बातचीत करें। इस तरीके की खुशबूदार प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके इंटीमेट हाइजीन के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसकी वजह से तमाम तरीके के इन्फेक्शन होते हैं और महिलाओं में अलग अलग तरीके की बीमारियाँ भी घर करने लगती हैं। भी आप सभी से यही अपील है कि अपनी हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें, न कि बाजार में दिखाए जाने वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रथमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।